बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। मोदी की हुंकार, अब की बार 400 पार। पेनल्टी आएगी, 400 से बहुत ज्यादा, 450 से भी ज्यादा है। जो मोदी जी ने किया ना वो कोई कर पाएगा, ना किया है किसी ने, ना कोई कर पाएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। विपक्ष कह रहा है कि भैया नहीं नहीं, कैसे होगा ये चमत्कार। आपको क्या लगता है कि इस सवाल का क्या जवाब है? 100% होगा, 400 के पार होगा। अभी तो आप छोटे हो, वोट डालोगे नहीं, अभी तो वोट डालते नहीं हो, बड़े हो करके वोट किसको डालोगे? बीजेपी। तो अब की बार क्या मोदी जी वापस आ रहे हैं? वो अपने अपने कर्म से सबको ही आएगा। जो मैं अपने जैसे कर्म करूंगा वही पाऊंगा मैं। जनता का ये आंकड़ा किस तरीके से होता है वोट में तब्दील, क्योंकि सवाल तो एक ही है, जवाब दे रही है यहाँ की जनता। मोदी की हुंकार, अब की बार 400 पार। सवाल तो एक ही है, इस बार ये सवाल सबसे बड़ा है, लेकिन जवाब क्या सबके पास है? ये आंकड़ा, जादुई आंकड़ा कहाँ से आया और कैसे होगा ये चमत्कार? सवाल तो एक ही है, लेकिन इस सवाल का जवाब क्या विपक्ष के पास है? लेकिन इस सवाल का जवाब जनता के पास है, और ये एक ऐसी जनता है इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हर आम खास आपको मिल जाएगा, जिसके पास ना केवल ओपिनियन है बल्कि वो वोटर भी है, वो जानता है कि आखिरकार चीज़ें कैसे अफेक्ट होती हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मैम मौजूद हैं, शॉपिंग के लिए आई हुई थी। मैम, व्हाट यू डू, और आपको कैसे लगता है जब अब तो मोदी ने ही कह दिया, पीएम ने ही कह दिया, आपकी बार 400 प्लस, 400 पार, मतलब तीसरी बार तो आ ही रहे हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल आएगी, डैम श्योर है, अगली बार भी मोदी आ रहे हैं, डेफिनेटली आएगी। 400 से बहुत ज्यादा, 450 से भी ज्यादा है। अरे इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी दोबारा थोड़े थोड़े तो उनको दे दो। नहीं नहीं, मोदी ही को देंगे, अभी तक कांग्रेस ने करा क्या है, मोदी ही आएगी। राहुल गांधी गए हुए हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, सबके लिए न्याय मांग रहे हैं, उनको थोड़ा कुछ दे दो। यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, जो मोदी जी कर रहे हैं वो ही करना चाहिए था, पर उन्होंने करा क्या है उनको? उन्होंने कर्नाटक जीता, तेलंगाना जीता, वो कह रहे हैं हम सारे इकट्ठे होकर के अब आएंगे, ये जो है ख्वाब देख रहे हैं मोदी। वो जब आएंगे आएंगे, लेट्स सी, मोदी ही आएंगे। क्यों आपको ऐसा लगता है कि तीसरी बार आना चाहिए? क्योंकि मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं आने वाले टाइम पे, हमने देखा इतने टाइम से, हम लोग जब से आए हैं, इतना सारा 370 उन्होंने लेके आए हैं, अयोध्या का करा, इतना बड़ा काम करा है, कलयुग में सतयुग लेके आए हैं, वो त्रेता युग लेके आए हैं, तो मेरे ख्याल से तो मोदी ही आने हैं। अच्छा, एक और लास्ट चीज़ पूछना चाहता हूँ मैम, आप कुछ बोलेंगी? मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो ये कह रही है कि नहीं अब की बार आना चाहिए, आपको लगता है कि कैसे चमत्कार होगा? सवाल हम कह रहे हैं कि सवाल तो है, किसका क्या जवाब है, आपकी बार 400 पार हो सकता है? हाँ हो सकता है, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं या जिस हिसाब से वो अपना दिखा रहे हैं, जितना उन्होंने प्रोग्रेस करा है, तो उस हिसाब से तो हो भी सकता है। और कांग्रेस का ये नहीं है कि कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विपक्षी दल की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो काम करेगा उसको तो जनता वोट देगी देगी। लेकिन क्या विपक्ष में आपको लगता है काम नहीं किया? वो न्याय यात्रा के लिए गए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए, राहुल गांधी अब भी वो तो ठीक है, लेकिन पब्लिक को जो दिखेगा, पब्लिक तो उसी के साथ जाएगी ना, पब्लिक को जिसका जो दिखेगा वो उसी के साथ वोट कर। ये नहीं है कि अगर मैं कांग्रेस की हूँ तो मैं बीजेपी को वोट करूँगी, या मैं बीजेपी को तो मैं कांग्रेस को वोट करूँगी, ऐसा तो नहीं। तो क्या आपको लगता क्या है कि क्या विकास हुआ है पिछले 10 साल में ऐसा, जो आपको लगता है कि आप फिर एज ए वोटर जो है दोबारा वोट कर देंगे? कोई विकास है मुद्दा, या महिलाओं की सुरक्षा, या महिलाओं का कुछ, और जिसे हम कहते हैं पीएम कहते हैं कि उनको सशक्तिकरण हुआ है वो मुद्दा है, या फिर आप ओवरऑल देखती हैं, क्या आपको लगता है? मैं तो ओवरऑल ही सब देखती हूँ, सब कुछ देखने के बाद, क्योंकि देखिए जैसे यूपी में, अब यूपी में योगी नाथ जी ने जो अपना प्रोग्रेस दिखाया है, यूपी में काफ़ी सुधार हुआ है औरतों को लेके, सुरक्षा को लेके, ऐसे ही दिल्ली में भी, अब दिल्ली तो बहुत बड़ी है, तो धीरे धीरे ही सब कुछ हो रहा है और कर भी रहे हैं, हो भी रहा है। हमारा मानना तो यही है कि हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, बाकी अब जनता के हाथ में है। अभी तक तो जनता की यही राय है कि इस बार बीजेपी सरकार ही आएगी। हाँ जी, चलिए, जनता कर रही है तैयारी, अब की बार होने वाली है बारी। हमारे पास कुछ युवा मौजूद हैं, सर आप शॉपिंग करने आए हैं, यू टेल मी वन थिंग, कि एक पॉलिटिकल ओपिनियन जनरेट कर रहे हैं, हर आदमी का अपना अलग होता है, कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कह दिया है, पीएम ने कह दिया कि अब की बार 400 पार, विपक्ष का भी अपना एक ओपिनियन है, वहाँ राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि
जब ये कहते हैं आपकी बार 400 पार, इस वक्त क्या माहौल है और कैसे क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है? देखिए पूरे देश में तो वैसे माहौल वही है कि बीजेपी आने वाला है, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने काम भी किया है। अच्छा, आप युवा हैं, ऐसे युवा क्यों, आप क्यों सोचते हैं कि बीजेपी? बहुत सारे, देखिए उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो है कि एक तो पहला है कि जो देश की प्रोटेक्शन है, ग्रोथ है, इकोनॉमी बढ़ रही है, प्लस जो रोजगार है या वो जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं कुछ भी है, वो दिखता है। कांग्रेस के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, दब दब की चीज़ें रहती थी, कुछ पता नहीं चलता था कि कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन इनके टाइम में ये कि चीज़ें बोलती है और बहुत सारे जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही है या फिर एजुकेशन में हो या किसी चीज़ में हो, कुछ ना कुछ वो चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में होता था जो ब्रिटिशर्स ने कर दिया वही वो चीज़ वो घिसे जा रहे थे, उनमें कुछ भी नया पॉलिसी नहीं था या कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो बेनिफिट कर। उन्होंने कहा कि नेहरू ने लाल किले से कहा था कि ऐसा है कि भारत का जो व्यक्ति है वो थोड़ा आलसी होता है, इस कारण से हम तरक्की नहीं कर पाते। यूरोप, अमेरिका के लोग और जापान के लोग जो हैं वो बहुत बढ़िया से तरक्की करते हैं, भारत को उन्होंने नीचा दिखाया था। देखिए अब हम कहाँ हैं और उस वक्त जो है वो क्या होता था, उन्होंने एक पर्सपेक्टिव बताया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, राहुल गांधी जो है वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, विपक्ष पूरी मेहनत कर रहा है। नहीं नहीं, वो तो अपने देखिए वो फैमिली ट्रेडिशन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो नेहरू ने उस समय कहा था, अगर वो अगर अपने देशवासियों पर भरोसा करते हैं कि हाँ, अगर उनको ये भरोसा कि इनको चलो वो लीडर है, एटलीस्ट वो तो रास्ता दिखाएंगे आगे। उन्होंने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ नहीं कर सकते, आलसी है, ये सब है, लेकिन मोदी को भरोसा था तो उन्होंने सबको साथ लेके चलने का उनका एक विश्वास है, तो वो वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी की गारंटी लगता है आपके साथ है? बिल्कुल। चलिए, ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी आपके साथ है। यहाँ पर और लोग भी हैं, बहुत सारे हैं, और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। तो अब की बार 400 की तैयारी जो कि कह रहे हैं, या फिर विपक्ष पड़ेगा भारी, क्योंकि सवाल तो यहाँ पर इसका जवाब जनता ही देती, जनता ही जानती है। पाजी हमारे साथ मौजूद हैं। पाजी, 400 पार की तैयारी, पीएम मोदी बहुत ज़्यादा आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से, जैसे वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, एक तरीके से उन्होंने गारंटी दे दी और देश को बता दिया कि 400 पार। दूसरी तरफ विपक्ष के सामने बहुत बड़ा ये मुश्किल होगा। आप एज ए वोटर, आप एज एन इंडिविजुअल कैसे देखते हैं, क्या सवाल, इस सवाल का जवाब क्या है? सर, मेरा तो ये कहना है कि जितने बैलेट पेपर आगे जाएगा वो क्लियर ट्रांसपेरेंटली वोटिंग हो जाएगी, वो पता चल जाएगी 400 या 40 है। क्यों चाहते हैं आप बैलेट पेपर? सर देखो, बैलेट पेपर देखो, मैं तो कहता हूँ जी बैलेट पेपर का शो ऑनलाइन होना चाहिए। आज देखो कोई भी फौज में है, कोई जॉब में है, आज जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई मैं कल को मेरी बॉम्बे में जॉब लगी, मैं अपने वोटिंग सेंटर जा नहीं सकता जॉब छोड़ के, कि ऑनलाइन आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, ओटीपी आपके पास आएगा, अब ऑनलाइन देखो देखो कितनी वोटिंग होती है, मेरे ख्याल से 90% तक वोटिंग हो जाएगी। तो बेटर है बैलेट पेपर हो या ऑनलाइन हो जाए, फिर क्लियरिटी हो जाएगी कि कोई कितना हो जाएगा। क्योंकि देखो आज भी लोग, मैं कह रहा हूँ 100 में से 5% के मन में भी, 5% के मन में भी डाउट है कि यहाँ की क्लियर फेयर नहीं हुई है, तो डाउट तो है ना, तो उसको डाउट को 100% क्लियर होना चाहिए। अच्छा, फिर भी इस वक्त आपको क्या माहौल लग रहा है, देश में क्या माहौल है और क्या लग रहा है? सर देश में देखो, देखो जी जहाँ तक हर जगह तो हिंदू मुसलमान चल रहा है, क्या चल क्या रहा है, मार्केट में काम है नहीं, बिजनेस है नहीं है, मेरे को तो यही सही यही नज़र आ रहा है, बस और कुछ नज़र आ रहे नहीं है। मतलब हाँ, अभी जिसे आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है और जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी है नहीं, बिजनेस है नहीं, वो भी बड़े मुद्दे हैं अभी आपके बीच में। अगर देखो, अगर शॉपकीपर का काम होगा, लोगों का काम होगा तो ठीक है, हर चीज़ हर चाल व्हाट्सअप में आई जा रही है, वेली चीज़ें आई जा रही हैं, तो फिर कुछ मेरे को तो समझ नहीं आ रहा सर। क्या लगता है भाई साहब, क्या होने वाला? अब हम तो बता नहीं, वो तो है 110%। उनके कहने से क्या होता है, जिनको भाई साहब ऐसा है कि कांग्रेस वालों ने अभी तक जो भी किया है हम लोगों को सिर्फ ख़त्म किया, कभी ज्ञान की कोई चीज़ नहीं सिखाई है। वो तो भाई चल चल के पूरा देश की यात्रा होगी, नॉर्थ ईस्ट तक चले गए भाई, कुछ नहीं होता भाई साहब, एक बार चलने से कुछ नहीं, एक बार नहीं दो बार भाई पूरा देश चल लिया, वो एक बार चल लिया उन्होंने, ठीक है जो मोदी जी ने किया ना वो कोई कर पाएगा, न किया है किसी ने, ना कोई कर पाएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अरे भाई साहब ये हम तो लेने आए थे यहाँ पर लोगों का ओपिनियन, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं कुछ कह रहे हैं कि 400 पार, कुछ कह रहे हैं कि आप बात ही मत कीजिए किसी और तरीके की। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम कर लेते हैं, उनसे हम मौजूद हैं, कुछ और कर लेते हैं बात। अरे वाह, बच्चे का कपड़ा 500 रुपये का, क्या है बच्चे के कपड़ा है? किसके बच्चे का? कुर्ता पजामा है। किसके बच्चे का? छोटा बच्चे का। आपके? बेचने के लिए, बेचने, हाँ किसी के बच्चे का हो सकता है। कारोबार कैसा है? कारोबार सब ठीक है। ठीक है। और कौन आ रहा है इस बार, मोदी जी वापस आ रहे हैं?
कौन कह रहा है? मोदी जी आएंगे और हर हमेशा मोदी जी ही रहेंगे, क्योंकि वो बेस्ट है हर चीज के मामले में। विकास कराने करा भी काफी हद तक विकास हो चुका है, काफ़ी हद तक इनकी गारंटी है मोदी जी आएंगे। और भी कुछ लोगों से जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ लोग हमारे पास आ पाए तो सवाल तो एक ही है, करते करते हमको लगा कि कुछ कर लेते हैं कुछ क्षण का विश्राम, लेकिन हमारी मुलाकात बाबा जी से हो गई है। बाबा जी आप यहीं लाजपत नगर में ही होते हैं जी? लाजपत नगर में ही होते हैं? नहीं, मैं कालका जी। कालका जी में होते हैं, तो कैसा लगा? अब मतलब पूरा देश कह रहा है अब प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर की, रामलला विराजमान हुए हैं और पूरा देश कह रहा है कि पीएम मोदी उसे लेकर के आए हैं जिस तरीके से वो यजमान बने, कैसा लग रहा है आपको रामलला के बाद? कैसा माहौल है देश? माहौल तो बहुत अच्छा हमें दिखा, बहुत अच्छा दिखा। और जहाँ राम जी का कृपा होगी वहाँ क्यों नहीं अच्छा लगेगा, जहाँ उनकी छाया रहेगी। फिर रहे ना रहे, हमें तो रात दिन सोते जागते उठते बैठते वही हमारा है, प्रभु है और कौन है। न्योता दिया गया था जो विपक्ष वाले हैं कि आओ राम पे इकट्ठा हो जाओ, आप भी आ जाओ, उन्होंने फिर राम को नकार दिया, गए नहीं। और वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं आपको जनता नकार देगी, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, जनता भी कह रही है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? जो राम के वहाँ पर नहीं गया क्या जनता उसे चुनेगी? बाबू जी इतनी भीड़ थी, भीड़ के अलावा आदमी न गया होगा, भीड़ के चक्कर में न गया होगा जहाँ जाने मंत्रण दिया, मान लो वो न गए होंगे। मैं तो यही समझता हूँ कि भीड़ के कारण न गया होगा आदमी, ठंडी और भीड़, वहाँ हकीकत भीड़ थी बहुत, इसलिए आदमी न गया होगा। तो अब की बार क्या मोदी जी वापस आ रहे हैं? वो अपने अपने कर्मों से सबको ही आएगा, जो मैं अपने जैसे कर्म करूँगा वही पाऊँगा मैं। राम जी तो जो कोई जो उन करेगा वही मिलेगा उसका, चाहे मैं हो चाहे तुम हो चाहे जो कोई हो। वो कह रहे हैं, सुनिए, वो कह रहे हैं हर आदमी को जो कर्म करता है कर्म से सब कुछ मिलता है। तो आपको क्या लगता है कर्म से इस बार आपकी बार 400 पार होने जा रहा है या कर्म से इस बार सब कुछ बदलने वाला है? तो क्या होने वाला है, 2-3 महीने में चुनाव होगा, एक नई सरकार आएगी, या फिर आपको लगता है कि पीएम मोदी जो कि सदन से कह रहे थे कि तीसरा टर्म यानी तीसरी बार पीएम मोदी हैट्रिक लगाने वाले, कौन आ रहा है? देखिए सर, हम लोग को जो कर्म करना है वो तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है। अब सरकार चाहे बदले या ना बदले उससे हमें कोई मतलब नहीं है, या मोदी आए या केजरीवाल आएगा या विपक्ष आएगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर लोग तो भाव कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, मगर देखिए मोदी जी आया तो और अच्छी है, देश के लिए कुछ करना चाहेंगे तो और अच्छा से कुछ करेंगे। चलिए ये कह रहे हैं कि अगर देश के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, मोदी जी आए या फिर कोई और भी नेता आए, अगर हमारे लिए कुछ करेगा, तरक्की के लिए कुछ करेगा, तो वो सबसे बड़ा इश्यू होगा। सर मुझे एक बात बताइए, आपसे एक चीज़ हम ओपिनियन लेना चाहते हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, विपक्ष कह रहा है कि भैया नहीं नहीं कैसे होगा ये चमत्कार, आपको क्या लगता है कि इस सवाल का क्या जवाब है? 100% होगा, 400 के पार होगा। इतने कॉन्फिडेंट आप? बिल्कुल बिल्कुल, जितना मोदी ने इस टाइम काम किया है किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। आपको क्या सबको दिख रहा है? वो विपक्ष कहता है बेरोजगारी है, महंगाई है, तरक्की नहीं है, उनको पता नहीं। विपक्ष तो कहता रहेगा उसे तो वोट बैंक से मतलब है और किसी से मतलब ही नहीं है, वो तो मिसगाइड करेगा। वो सारी दुनिया को दिख रहा है कि क्या हो रहा है, सारी दुनिया को दिख रहा है कि काम हो रहा है, गली गली में काम हो रहा है। तो लेकिन राहुल गांधी भी अपने तरीके से यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए उनकी तो कुर्सी निकल गई, उनके तो एक भी सीट नहीं मिलने की आगे जाके, लगता है यही है। 10 या 15 सीट भी निकालने कांग्रेस तो बहुत बड़ी बात है इस बार ऑल ओवर इंडिया से। बेटे मुस्कुरा रहे हो, जानते हो कौन है नरेंद्र मोदी? वो है पीएम। अच्छा, और राहुल गांधी कौन है? वो एक नेता है। अच्छा, अभी तो आप छोटे हो, वोट डालोगे नहीं, अभी तो वोट डालते नहीं हो, बड़े हो करके वोट किसको डालोगे? बीजेपी। क्यों? क्योंकि क्या? अच्छा, क्या पढ़ा है बीजेपी की? वो अच्छा काम करती है इसलिए। अच्छा, काम क्या करती है? चॉकलेट देती है? नहीं, वो
सफाई करवाती है, छोटे गांव में पानी लाती है, अच्छा लाती है गांव में छोटे छोटे, इसलिए। अच्छा, तो आपने कहाँ देखा, छोटे छोटे गांव में? अच्छा, आपने बिजली सफाई ये वो, आप तो बड़े क्या कहते हैं वो हैं, अवेयर हैं। और मतलब और क्या कुछ आप देखते हैं, बाकी और जो पार्टीज हैं वो भी करती हैं? उतना बीजेपी करती है उतना कोई नहीं करती। अरे वाह, वेरी गुड। कौन से स्टैंडर्ड में आप? फिफ्थ। अरे वाह, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, है ना, ऐसे ही करिए। चलिए, तो इस वक्त जो है जनता का मूड, खैर आप देख ही रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जनता चाह रही है, अपने तरीके से वो आंकड़ा बता रही है। अब देखना ये है कि आखिरकार जनता का ये आंकड़ा किस तरीके से होता है वोट में तब्दील, क्योंकि सवाल तो एक ही है, जवाब दे रही है यहाँ की जनता। तो इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।